नमस्कार, हेडलाइंस बिहार देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ प्रियांक सर आवाज। राजद सुप्रीमो लाल प्रसाद यादव का 73वां जन्मदिन है। राजद की तरफ से इस दिन को गरीब सम्मान दिवस के रूप में मनाया जा रहा है। वहीं तेजस्वी यादव अपने पिता लालू प्रसाद यादव से मिलने रिम्स पहुंचे, लेकिन रिम्स के बाहर लालू समर्थक काफी संख्या में मौजूद हैं। आप तस्वीरों के माध्यम से देखिए किस तरीके से जो उनके समर्थक हैं वहां पर कृष्ण और लालू दोनों की तस्वीर लिए हुए हैं। मतलब लालू प्रसाद यादव को कृष्ण से तुलना कर रहे हैं। आज राजद सुप्रीमो का 73वां जन्मदिन है, ऐसे में उनके समर्थक उन्हें खूब याद कर रहे हैं, मिलने पहुंचे हैं। हालांकि इनकी मुलाकात हो पाएगी या नहीं ये कहना तो थोड़ा सा मुश्किल है, लेकिन उनसे मिलने के लिए समर्थक हैं वो काफ़ी बेसब्री से वहाँ पर खड़े हैं और रो भी रहे हैं। आप सुनिए लालू समर्थक क्या कुछ कहते हैं उनके जन्मदिन के अवसर पर। होगा क्या कामना करेंगे जन्मदिन के? हम 73वां जन्मदिन है, हम लोग गरीब मजदूर लोग पूरे बिहार के लालू जी को देखना चाहता है। 11 करोड़ की जनता लालू जी को देखना चाहता है। दीर्घायु होने की कामना करता है जन्म दिवस के अवसर पर। क्योंकि केंद्र सरकार बेवजह से हमें लालू जी को रिहा नहीं कर रही है। 73 साल की उम्र हो गया, सुप्रीम कोर्ट गाइडलाइन भी है, कोई ख्याल नहीं कर रहा है। बिहार की 11 करोड़ जनता उनको देखना चाहती है। सब रो रहा है कि हमारे लालू बाबू जल्दी निकले। लालू जी की तबीयत ठीक नहीं है, स्वस्थ नहीं है। कई बीमारी उनको है, लीवर है, कई किडनी में है, चीनी प्रॉब्लम है, तमाम बीमारी से हमारा ग्रसित है लालू बाबू। फिर भी हमें लालू बाबू कोई सुनने वाला नहीं है, क्योंकि बीजेपी की सरकार है। और हम हृदय में जैसे कंस कृष्ण भगवान जन्म लिए थे जेल में ही, तो लालू बाबू को जेल में रखा गया। याद करो 2020 में कंस है केंद्र सरकार, कंस है नीतीश कुमार और सुशील मोदी, नरेंद्र मोदी, अमित शाह, कंस है। इस कंस को नाश करने के लिए जैसे कृष्ण भगवान नाश किया था, उसी लालू बाबू जेल से रिहा होंगे और कंस को नाश करेंगे और फिर बिहार में तेजस्वी की सरकार बनेगी। हम यही कामना करते हैं, हमें लालू बाबू जल्दी निकले और जेल से रिहा होकर आए। हम लालू बाबू को यही कामना करते हैं। हम लोग सब कार्यकर्ता मायूस है कि लालू बाबू को बेवजह फंसाया गया है। इनको रिहा किया जाए जल्दी, नहीं तो बिहार में, अब बिहार में हमारा जितना प्रवासी मजदूर बाहर से है उसको अपराध कर रहा है नीतीश कुमार की। अपराध है, प्रवासी मजदूरों को अपराध कर रहा है और खुद उनका विधायक अपराधी गोली चला रहा है, हमारे भी कार्यकर्ता को मार रहा है। तो वो कैसा राज्य है? हमको लालू बाबू को जंगल राज कहता था, इधर राक्षस राज से भी खत्म है। कोई राज कोई कानून नहीं है, कहता है कानून काम करेगा, राज काम करेगा। कोई कानून नहीं कर रहा है, उनका अपराध का कानून है, अपराधी जैसे कहता है नीतीश चल रहा है। हम लालू बाबू को दीर्घायु होने की कामना के लिए आए हैं अपने बिहार से, हाजीपुर से। जल्दी लालू बाबू जल्दी निकल जाए, स्वस्थ होकर। तो आपने सुना उनके जन्मदिन के अवसर पर उनकी रिहाई की मांग कर रहे हैं तमाम जो समर्थक वहां पर पहुंचे हैं, बिहार के अलग अलग क्षेत्रों से और झारखंड के भी लोग वहां पर पहुंचे हैं। राजद सुप्रीमो बिहार के पूर्व सीएम लालू प्रसाद यादव से मिलने। आपको बता दें कि आज उनके जन्मदिन को लेकर बिहार में काफी चर्चाएं हैं, हर तरफ उनके जन्मदिन को लेकर राजद समर्थक काफी उत्साहित है। गरीब सम्मान दिवस के रूप में उनका जन्मदिन मनाया जा रहा है, साथ ही साथ 73,000 गरीबों को खिलाने की बात की गई है। 73,000 LED बल्ब भी जलाए जाएंगे और बांटे भी जाएंगे। जो भी हो, जो भी नई खबरें आएंगी, तमाम खबरें आपको हेडलाइंस बिहार पर सबसे पहले मिल रहा है। बन रहे हेडलाइंस बिहार के साथ। अगर आपने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्द सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद।